कठोर कानून ला रही है और मैंने भी अपनी बात रखी है। मेरा ये मानना है कि लव जिहाद में जो लव जिहाद प्रोत्साहित करते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि लव जिहाद केवल एक लड़का या व्यक्ति ही नहीं करता जो किसी लड़की को बहला फुसला कर शादी कर लेता है, बल्कि देखने में आया है कि इसका एक पूरा रैकेट है वो काम करता है। उस रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग जिनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, उसको लेकर काम करते हैं, उन पूरे रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैंने बात रखी है। उसके साथ ही वो धर्मगुरु जो कि लव जिहाद के माध्यम से लड़के लड़कियों को वैवाहिक जीवन में जोड़ते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद एक ऐसा विषय है जो समाज में एक बड़ी कुरीति को प्रोत्साहित कर रहा है और पूरे देश में हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, कानून नहीं होने के कारण ऐसे लोग कानून के दायरे से बाहर रहते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा, उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर कानून बनाने की बात की है जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ने का काम करता है। मैंने ये मांग रखी है कि लव जिहाद में केवल उसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो लव जिहाद करता है, बल्कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, उनको उसको प्रोत्साहित करते हैं। वो रैकेट जो कि लगातार समाज में इस कुरीति को बढ़ावा देता है, वो धर्मगुरु जो कि लव जिहाद के माध्यम से लड़के लड़की को वैवाहिक जीवन में जोड़ते हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।